दोस्तों आज मैं आपको दावा ठोककर कह सकता हूं कि YouTube पर 95% लोगों को पता ही नहीं है कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। लोगों को लगता है कि बस वो एक चैनल बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे और YouTube से लाखों रुपया महीना कमाएंगे, लेकिन YouTube से पैसा कमाने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को किस तरीके से अपलोड करें कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका वीडियो सही है या खराब है ये तो लोग डिसाइड करेंगे जब आपके वीडियो को वो देखेंगे, लेकिन आप वीडियो किस तरीके से अपलोड करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये आप डिसाइड करेंगे। और ये गलती ज्यादातर नए यूट्यूबर करते हैं, जो नए यूट्यूब पर आए हैं उनको लगता है कि बस वो चैनल बना लेंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छा थंबनेल बनाएंगे और उनके वीडियो पे व्यू जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल भी लगाते हैं, फिर भी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आता, आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को अपलोड करने में वो गलती करते हैं जिससे कि आपका वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। और यहां पर हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि शायद मेरा वीडियो अच्छा नहीं है। वीडियो आपका अच्छा या खराब है ये तो तब पता चलेगा जब लोग आपके वीडियो को देखेंगे, लेकिन ये आप डिसाइड पहले कीजिए कि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जब आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड करेंगे, जब वीडियो आपका बूस्ट करेगा। अब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, यहां पर मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि इस वीडियो को आप बिना स्किप करे देखेंगे, वरना आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखते रह जाएंगे, आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। तो जब भी मैं आपको सही जानकारी देता हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और बिना स्किप किए देखें। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हमने एक वीडियो बना लिया है। अब ये वीडियो है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं। आपका कोई भी वीडियो हो सकता है, चाहे आप टेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, गेमिंग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, कुकिंग वीडियो बनाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अपलोड करने का तरीका सबका सेम होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और नीचे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर जो हमारा वीडियो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सारा तो आपको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो यहां पे जो विजिबिलिटी होता है ये हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अनलिस्टेड कर देते हैं, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अनलिस्टेड आपको कभी भी नहीं रखना है, हमेशा वीडियो अपलोड करते समय जो आपका वीडियो का विजिबिलिटी होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। यहां पर मैंने प्राइवेट को सिलेक्ट कर दिया। अब आपको अभी कोई भी टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या फिर बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए है तो ऊपर आप यस वाले पे टिक लगा दीजिए, अगर बच्चों के लिए आपने वीडियो नहीं बनाया तो नीचे नो कर दीजिए। तो यहां पर मैं सिखा रहा हूं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, मतलब ये बच्चों वाला वीडियो नहीं है। यहां पर मैं नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड वीडियो कर दूंगा और आप देख सकते हैं हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं तो आप कितना भी अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। वीडियो अच्छा है खराब है ये पहले डिसाइड नहीं होता है, पहले डिसाइड होता है कि वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, यहां पे हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं सारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि कोने में थ्री बिंदी के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है। अब यहां पर आपको टाइटल डालने की जरूरत है, सबसे पहले आप टाइटल डालेंगे जिस पे भी आपने वीडियो बनाया है। अब जैसे कि यहां पर मैंने वीडियो बनाया कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा टाइटल डालेंगे जिस पर वीडियो आपका रैंक करेगा, जिस पर व्यू जाएगा, जिससे वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कि यहां पर मैं ये भी टाइटल डाल सकता हूं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, या फिर ये भी टाइटल हो सकता है कि ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका, या फिर ये भी टाइटल हो सकता है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर ये भी हो सकता है कि मोबाइल से पैसा कैसे कमाएं, या फिर ये भी टाइटल हो सकता है कि घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा टाइटल डालूं जिस पर हमारा वीडियो रैंक करेगा, जिस पर ज्यादा व्यू जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको जानने की जरूरत है कि आप टाइटल कैसे डालेंगे, उस पर कैसे ज्यादा व्यू जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका कुकिंग चैनल है, आप सिखा रहे हैं कि चावल कैसे बनाएं, तो यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइटल डालने पर आपका वीडियो रैंक करेगा, क्योंकि वीडियो तो है कि चावल कैसे बनाएं। अब टाइटल यह भी हो सकता है
कि चावल कैसे बनाएं, या फिर टाइटल ये भी हो सकता है कि सिर्फ 2 मिनट में चावल कैसे बनाएं, या फिर टाइटल ये भी हो सकता है कि हाउ टू कुक राइस, या टाइटल ये भी हो सकता है कि हाउ टू मेक राइस। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइटल डालने पे आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू जाएगा? सारा खेल, सारा जादू यहां टाइटल में ही है। तो सबसे पहले आपको पता करना है, पता करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और जो भी आपका टाइटल दिमाग में आ रहा है, जो भी आपने वीडियो बनाया है, उसको आपको सर्च करना है। जैसे कि यहां पर मैंने वीडियो बनाया कि ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका, ठीक है, तो यहां पर मैंने सर्च कर दिया कि ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका। अब यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा वीडियो आ चुका है। अब इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टाइटल डालने पे आपको कितना व्यूज मिलेगा। तो यहां पर आप जो भी वीडियो देखेंगे, आपको नया वीडियो देखना है जो 1 महीने पहले अपलोड हुआ है, आपको ऐसा वीडियो नहीं देखना है जो 6 महीने पहले अपलोड हुआ है, 1 साल पहले अपलोड हुआ है। अगर आप ऐसा वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो वीडियो 6 महीने या 1 साल पहले अपलोड हुआ है, तो उस पे ज्यादा व्यूज रहेगा। आपको यहां पे ऐसे वीडियो को फॉलो करना है या ऐसे वीडियो को देखना है जो 1 महीने के पहले अपलोड हुआ है। अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो वीडियो है उस पर 2.5 मिलियन व्यूज तो है, लेकिन ये वीडियो 2 साल पहले अपलोड हुआ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक और वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो भी पैसा कमाने के बारे में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वीडियो 3 साल पहले अपलोड हुआ है। भले इस पे 4 मिलियन व्यूज है, लेकिन भाई 3 साल पहले अपलोड हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस पे व्यूज आएगा, तो इस वीडियो को भी हम नहीं देखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इस पे भी 7 लाख व्यूज है, लेकिन ये वीडियो भी 1 साल पहले अपलोड हुआ है, इसको भी नहीं लेंगे। यहां पर एक आपको वीडियो दिखाई देगा जो 20 दिन पहले अपलोड हुआ है और इस वीडियो पे आप देख सकते हैं 2 लाख व्यूज है। ये वीडियो भी इसी तरीके का है कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। अब अगर आप देखेंगे तो इनका जो चैनल है, इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा यहां पे 1000-2000 व्यूज आता है, 6000 व्यूज आता है, लेकिन उस वीडियो पे 2 लाख व्यूज है। मतलब कि उसने कुछ ऐसा सर्चेबल टाइटल डाल दिया है जिससे कि लोग सर्च करते हैं तो उसका वीडियो ऊपर आता है। तो बस आपको उसी का टाइटल यूज करना है, उसने जो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाला है आपको वही यूज करना है। देखेंगे तो इनके चैनल पे जो व्यूज आता है वो ज्यादा व्यूज नहीं आता, 3000 व्यूज आता है, 4000 व्यूज आता है। यहां पर देख सकते हैं कुछ वीडियो पे 7000 व्यूज भी आया, कुछ पे 22000 व्यूज भी आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वीडियो है इन्होंने 20 दिन पहले मतलब कि 21 दिन पहले 3 वीक पहले अपलोड किया है और यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो पे 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आया है। तो हमें यही वीडियो लेना, इसी वीडियो का हमें टाइटल कॉपी करना है। अब यूट्यूब में अगर आप यहां पे कॉपी करेंगे तो कॉपी नहीं होगा। कॉपी करने का एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूं कि सबसे पहले वीडियो के नीचे 3 बिंदी पे क्लिक कीजिए और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लिंक आप कॉपी कर लीजिए। लिंक को कॉपी करने के बाद आप क्रोम ब्राउजर में जाइए और जो आपने लिंक कॉपी किया है यहां पर आप पेस्ट कर देंगे तो ये वीडियो आपका क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब वीडियो ओपन होने के बाद यहां से आप इनके टाइटल को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी वाले बटन पे क्लिक किया, हमारा टाइटल कॉपी हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने वीडियो में और अपने वीडियो के टाइटल में ये जो मैंने टाइटल यहां पे कॉपी किया डाल देंगे तो अपना वीडियो यहां पे आ चुका है। 3 बिंदी पे क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे टाइटल हम वही डाल देंगे जो उनके वीडियो में था, क्योंकि वो एक सर्चेबल टाइटल है, उस टाइटल से ज्यादा व्यूज आया है, वो टाइटल सर्च में है, तो हमें वही टाइटल यूज करना है। यहां पर हमने टाइटल डाल दिया, देख सकते हैं यहां पे टाइटल हो चुका है। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अभी आपने जो टाइटल डाला है डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे टाइटल डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में जो पहला होता है ऊपर का 4-5 लाइन उसमें आपको टाइटल ही डालना होता है, उसके बाद आप स्पेस देंगे। अब हम चलते हैं उनके वीडियो में और देखते हैं कि उन्होंने अपने टाइटल में ऐसा कौन सा कीवर्ड डाला कि उनके हर एक वीडियो पे 4000-5000 व्यूज आता था लेकिन इस वीडियो पे यहां पे 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुका है। तो यहां पर हम इनके डिस्क्रिप्शन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ यहां पे कीवर्ड डाल रखा है जिससे कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है तो इनका वीडियो आता है। जैसे कि इन्होंने डाल रखा है कि पैसा कमाने वाला ऐप हो गया, या फिर मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब, अर्न मनी एट होम, मतलब इस तरीके का पूरा यहां पे इन्होंने कीवर्ड डाल रखा है। तो आपको भी सिंपली क्या करना है कि ये जो पूरा कीवर्ड है आपको पूरा का पूरा यहां पे कीवर्ड को कॉपी कर लेना है। सिंपली यहां पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप अपने वीडियो में जाइए जहां पे आपका डिस्क्रिप्शन है और यहां पे आप भी वो पूरा जो आपने कीवर्ड कॉपी किया था यहां पर डाल दीजिए। अब इसके बाद अगर आप अपने वीडियो में लिंक वगैरह डालना चाहते तो नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिंक देते हैं या फिर अपना टेलीग्राम लिंक देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ये सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है टैग डालने का, तो देखिए टैग को
आप अपने मन से मत डालिए। जहां पर आपको ऐसा टैग डालना है जो आज के दिन ट्रेंड कर रहा है, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड कर रहा है, यहां पर हम ऐसा टैग डालेंगे जो अभी मतलब इसी सेकंड जो लोग सर्च कर रहे हैं, आपको उस तरीके का टैग डालना है जिससे आपका वीडियो सर्च में जाने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके का टैग आपको मिलेगा कहां? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास सही जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, keywordtool.io। यहां पर मैंने वेबसाइट को सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहां पर आपको यूट्यूब को सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यूट्यूब को सिलेक्ट कर रखा है। अब आपका वीडियो का जो भी टॉपिक है यहां पर आपको टॉपिक डाल देना है, जैसे कि मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है, अर्निंग ऐप, यहां पे अर्निंग ऐप है, या फिर आप अर्निंग ऐप भी डाल सकते हैं, या फिर हाउ टू मेक मनी, जो भी आपका टाइटल हो। यहां पर मैं डाल देता हाउ टू मेक मनी, ठीक है, यहां पर मैंने डाल दिया। अब आपको सर्च करना है, अगर आपके वीडियो का टाइटल कोई कुकिंग से रिलेटेड, मतलब जो भी आपका वीडियो का टाइटल है, जो भी आप वीडियो जिससे रिलेटेड बनाया है, वो आप टाइटल डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया हाउ टू मेक मनी। अब यहां पर आप देख सकते हैं मुझे 702 यहां पे टैग मिल चुका है, लेकिन पूरा टैग हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का कुछ ही टैग यूज करेंगे, 10-15 टैग यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मुझे जो ऊपर का 3 टैग मिला, ये एकदम से वायरल टैग है। जैसे कि अभी ये जो पहला वाला टैग है, इसको यहां पर आप देख सकते हैं 90,000 लोग सर्च कर रहे हैं। जो दूसरा टैग है यहां पर आप देख सकते हैं 163,000 से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तीसरा जो टैग है यहां पर आप देख सकते हैं इसको 5300 से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सारा टैग आपको यहां से कर लेना है कॉपी, मतलब जो भी आपको यहां पे लगता है कि भाई ये वाला टैग मेरे कंटेंट से, मेरे वीडियो से, मेरे टॉपिक से ज्यादा मैच करता है, तो आपको वो वाला यहां पे टैग कॉपी कर लेना है। यहां पर मैं टैग को कॉपी कर लेता हूं। टैग में आपको 500 लेटर डालना होता है, तो उसी हिसाब से यहां पे आप कॉपी कीजिए कि जितना आपके टैग में आ जाए। तो सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको 8 अभी कॉपी करके दिखा देता हूं, आप 15-20-50 जितना आपके टैग में आता है उतना कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपली करेंगे क्या कि यहां पर चलेंगे और यहां पर आपको टैग को ऐड कर देना, आपको एक एक टैग ऐड करना है। अगर आप डायरेक्ट यहां पे ऐड कर देंगे तो वो एक ही लाइन में हो जाएगा, तो आपको एक एक ऐड करना, मतलब पहले वहां से एक कॉपी कीजिए, यहां पे लाके पेस्ट कर दीजिए, दूसरा वहां से कॉपी कीजिए, लाकर पेस्ट कर दीजिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वरना फिर आपको दिक्कत होगा। अगर आप एक ही बार यहां पे पेस्ट करेंगे तो वो फिर मतलब मेस हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उससे आपका वीडियो वायरल नहीं होगा और आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। तो एक कॉपी कीजिए, लाकर पेस्ट कर दीजिए, दूसरा कॉपी कीजिए, लाकर पेस्ट कर दीजिए, तीसरा कॉपी कीजिए, लाकर पेस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थंबनेल लगाने की जरूरत है। तो आपको एक अच्छा थंबनेल बनाना है, क्योंकि अच्छे थंबनेल से ही आपका वीडियो चलता है, सबसे पहले लोग आपके थंबनेल को ही देखते हैं। तो अगर आपको अच्छा थंबनेल बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप अच्छा थंबनेल बनाना सीख लीजिए। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक थंबनेल बना लिया है, तो ऊपर आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, कस्टम थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं मेरा यहां पे जो थंबनेल है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मैंने थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं मेरा यहां पे थंबनेल लग चुका है। अब आपको क्या करना है कि अभी वीडियो को आपको सेव कर देना, अभी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको वीडियो को सेव करना है। वीडियो को सेव करने के बाद आपको अपना क्या करना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहां पर मैंने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब नीचे आपको एनालिटिक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, एनालिटिक्स लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है ऑडियंस का, आपको ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, मतलब कि आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं 2, 4, 10, 12, 15, 20, 50, वो आपके वीडियो को कब देखते हैं। अगर यहां पर आपको ये वाला चार्ट नहीं मिलता है तो आप अपने वीडियो को 12 बजे के बाद पब्लिश कीजिए, लेकिन अगर यहां पे ये चार्ट आपके YT स्टूडियो में दिया हुआ है तो यहां पर आपको टाइमिंग मिल जाएगा, जैसे कि जिस टाइम पे ये जो कलर है ये ज्यादा गाढ़ा दिखाई दे आपको उसी टाइम पे वीडियो को अपलोड करना है। जैसे कि यहां पे जो दिखाई दे रहा है, मतलब 11:59 के बाद ये जो भी आप देख सकते कलर ये गाढ़ा है, मतलब कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो 11:59 के बाद ही अपलोड करूंगा, मतलब 12 बजे के बाद ही अपलोड करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं 5 बज रहा है, मतलब कि ये सही समय वीडियो अपलोड करने का, वीडियो पब्लिश करने का। तो सिंपली आपको दोबारा से अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, कोने में 3 बिंदी के ऊपर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर जो विजिबिलिटी आपका प्राइवेट था, प्राइवेट के बाद यहां पर आपको पब्लिश करने की जरूरत है। पब्लिश करने के बाद सिंपली आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपका वीडियो यहां पे पब्लिश हो चुका है।
अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी स्टेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद लोग एक गलती करते हैं कि वीडियो को शेयर करते हैं उन लोगों के पास तो जो सिर्फ उनके वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो को बंद कर देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे लोगों को शेयर नहीं करना है, आप उनको शेयर कीजिए जो आपके वीडियो को देखें। अगर आप उन लोगों को शेयर करेंगे जो सिर्फ आपके वीडियो को ओपन करके सिर्फ व्यूज बढ़ाकर छोड़ देंगे तो फिर आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने वीडियो को अपलोड किया और आपने 20 लोगों को इस तरीके से शेयर कर दिया। अब अगर 20 लोगों में से 15 लोग आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और तुरंत वीडियो को बंद कर देते हैं तो YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको क्या लगेगा कि लोग आपके वीडियो के ऊपर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके वीडियो को देख नहीं रहे, लोग आपके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर यूट्यूब आपके वीडियो को बूस्ट नहीं करेगा, अगले लोगों तक वो भेजेगा नहीं। तो ये गलती आप कभी भी मत करिएगा, आपको ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं है जो आपके वीडियो को ना देखें, आप उन्हीं को वीडियो शेयर करें जो वीडियो को ओपन करने के बाद आपके वीडियो को कम से कम आधा तो देखें, या फिर अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो YouTube को लगेगा वीडियो में आपने कुछ बकवास किया है तो YouTube खुद आपके वीडियो को डाउन कर देगा। और ज्यादातर नए यूट्यूबर यही करते हैं कि वीडियो को अपलोड करने के बाद वो अपने दोस्तों अपने फैमिली वालों को भेज देते हैं और वो उनके वीडियो पे सिर्फ जाकर कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, फटाक से वीडियो बंद कर देंगे। तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, और खासकर आपको वीडियो अपलोड करने के बाद तो ऐसे लोगों को नहीं भेजना है। 24 घंटे के बाद भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप भेजोगे अभी YouTube को लगेगा कि आपने वीडियो जो बनाया उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं रहे तो आपके वीडियो को और ज्यादा डाउन कर देगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो जैसे आप मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जैसे आप मेहनत करके थंबनेल बनाते हैं, उसी तरीके से आपको मेहनत करके वीडियो भी अपलोड करने की जरूरत है। यहां पर मैंने जो भी चीजें था, जो भी मैंने अभी तक सीखा था, मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो भी अपने भाषा में अपने तरीके से समझाता हूं। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, हम भी मेहनत करते हैं तो आपके सपोर्ट की आपकी सब्सक्राइब की जरूरत है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा, जो भी आपका सवाल हो राय हो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक अपना ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।